श्री कृष्णा राधे राधे श्री हरिदास। और यहाँ से गोलू भाग गए हैं, ये देखिए अपनी जगह छोड़ के, और वो गए हैं दूसरे रूम में, वहाँ पे है सोना, और वो सोना खुशी और ये कर रहे हैं बातें। ये देखो आ गया, क्या हुआ, क्या हो गया, मेहंदी लगा हुआ। ये देखो, अच्छा सोना मेहंदी लगा रही है अपने, तो ये देखो मेहंदी उठा के लेके लगाई। कहाँ पे लगाया? मेरे नाक पे। नाक पे मेहंदी लगाई? किसने लगाई? सोना ने लगाई। कितनी हंसी देखो इसकी, कितनी जोर से हंसी आ रही है उसको। और मैंने खुशी की नाक पे लगा दी। अच्छा खुशी की नाक पे, सही किया। ये देखियो, देखो देखो इसको दिख रही है ना, अब लोग कहते हैं कितनी देर नाक भी फुला के हंसता है। ये देखो मेहंदी मेहंदी लगानी है, कहाँ जाएगा लड़की लगाती मेहंदी? मैं भी लड़की बुला दे ना। अच्छा तो मेहंदी लगाएगा? लाडो अभी, लाडो देख पीछे ईशान बैठ के पढ़ रहा है। ईशान पीछे करो। हाँ लाडो को भी। हाँ ठीक है, अब मैं लीला बता दूँ कि नहीं कि मेहंदी लगानी है पहले? अभी नहीं, बाद में लगाएंगे, ठीक है ना? राधे लिखवाऊंगा। हाँ ठीक है, राधे तू ऑलरेडी है ना, अपना ही नाम लिखवाऊंगा। अरे भाई ठीक है, अभी मत लगा उसको, चल लगा दे, चल ठीक है लगा लगा ले उसको, थोड़ा सा लगा के फिर हटा देना। ये देखो उसे राधे लिखवाना है, मेरे को लीला नहीं बताने दे रहे हैं, देखो ठीक है, ऐसे आप लिख दो मैं लीला बता देती हूँ, ठीक है? इनकी मेहंदी चल रही है, देखो ये ना बीच में ऐसे करते हैं बब्बा, मेरे को भुला देते हैं। अब ये लीला है, उस दिन की याद होगा कि हम गए थे हमारी दीदी के यहाँ नौते के लिए, है ना? और उस नौते में एक लहंगा गिफ्ट किया था लाडो के लिए, राइट? तो उसकी हम पूरी लीला अब आपको बताने वाले हैं। तो चलिए उससे पहले कि हम लहंगा मंगा लेते हैं पहले यहीं पे। ये देखो जी, इन्होंने राधे लिखवा लिया है। आप खुश? अब खुश? अरे वाह भाई वाह, ये देखो पूरी तरह से राधे लिख चुका है, ठीक है। और ये देखो ये कपड़े भी मंगा लिए, ये मिले है ना? हाँ हाँ सब तेरा है, सब तेरा है, ठीक है सब तेरा है। अब कहाँ जा रहा है? अब मैंने सबको चलाऊंगा। कहाँ पे चलाएगा? चिल्लाऊंगा। अच्छा चिढ़ाएगा? मुझे लगा चिल्लाएगा, ठीक है चिढ़ा ले अभी ना, ये इसको चिढ़ाया नहीं, मैं अपने लाला को लगा दूंगी, ठीक है? तो ठीक है राधे राधे, ओके राधे राधे। अब लीला बता दूं कि नहीं? अच्छा मेरा नाम लिखवा दे अपने हाथ पे। हाँ 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 ठीक है ठीक, राधे प्यारा है। हाँ राधे प्यारा है। देखो कितना बोलता है ये बीच में, मेरे को ना लीला नहीं बताने दे रहा है, ये देखो कितना बोलता है बीच में। तुम लोग भी मेहंदी लगा लो। हाँ ठीक है लगा लेंगे, सब लगा लेंगे, ठीक है राधे राधे। तो ये वो लहंगा है, ठीक है? तो सारी लीला इस लहंगे की है। तो होता ये है कि मैंने सुबह में ही दीदी को फ़ोन किया था और दीदी को बोल दिया था कि एक लीला हुई है दीदी, तो मैंने थोड़ी सी लीला वहाँ पे बता दी थी कि जो है लाडो ने कुछ बोला है और सिमी आज तू जो है लाडो वो कन्हैया को टच नहीं करना, ठीक है छूना नहीं। तो वो बोली क्यों दीदी ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा लाडो ने बोला है, बाकी लीला हम घर आएंगे तब बताएंगे, ठीक है? अब हुआ क्या, पहले मैं कहाँ आपको पूरी लीला बताती हूँ, स्वप्न लीला में। स्वप्न में क्या हुआ कि स्वप्न देखते हैं कि उसमें हमारा जो कन्हैया है वो बाहर, वो जो पीतल की परात है ना जिसमें अभी मतलब बरसात में जब नहा रहे थे तो छोटे लाला बैठे थे उसमें, उस वाली परात में हमारा कन्हैया स्वयं बैठकर खुद ही लगातार जो है मल मल के चंदन लगा लगा के खुद नहा रहा है, ठीक है? ये चल रहा है। ये किस दिन की लीला है? जिस दिन नौता खाने गए थे उस दिन की सुबह में ये लीला थी, पर मैं बता नहीं पाई थी, अब बता रही हूँ आपको। मल मल के जो है नहाए जा रहा है, पानी पे पानी डाल रहा है, उधर से सेविका चिल्ला रही है कि क्या कर रहा है कन्हैया, अरे मैं नहा रहा हूँ ना। दूसरी तरफ सेविका जाती है और देखती है कि लाडो से कहती है कि क्या हुआ लाडो, तू तैयार क्यों नहीं हो रही है, चल जाना है ना नौता खाने। तो लाडो का मुंह फूला हुआ है और वो कह रही है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मुझे नहीं जाना है। तो सेविका कहती है क्यों क्या हो गया, मैं नहीं जाऊँगी, सारे बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे और ये सभी बच्चों को जाने की क्या ज़रूरत है, ब्याह तो मेरा और कन्हैया का हुआ है ना, तो नौता भी मेरा और कन्हैया का होगा। तो सोना कहती है तो गलत बात है लाडो, जा रहे हैं सभी तो सबको चलने देना, वही तो अब जहाँ मेरे पति की इज्जत नहीं है वहाँ मैं कैसे जा सकती हूँ। तो सेविका कहती है क्या हुआ पति को क्या हुआ, कह रही नहीं बस मैं बोल रही हूँ ना मैं वहाँ नहीं जाऊँगी जहाँ मेरे पति की इज्जत नहीं होगी। तो वो मुँह फुला के ही अभी बैठी हुई है। दूसरी तरफ
जो छोटे छोटे बच्चे हैं हरी और ये सब खुश हो रहे हैं कि हमको जो है जाना है। और सभी छोटे छोटे लाला बोल रहे हैं कि हम तो जाएंगे भाई, और वो तैयार हो रहे हैं। और एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ हमारे ये राधे और केशव जो है दोनों गले में हाथ डाले हुए दोनों बातें कर रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चों को ले जाने की क्या ज़रूरत है, हम दोनों चलते हैं ना। दूसरी तरफ ये दोनों प्लान बना रहे हैं केशव और गोलू कि हम दोनों ही जाएंगे। तो तभी केशव कहता है कि अरे हम जाएंगे कैसे, तो तभी केशव कहता है मेरे पास आइडिया है, अरे राधे तेरी नई गाड़ी आई है ना, हम उसमें जाएंगे ना, यानी कि स्ट्रॉलर। बोला कि हाँ वो तेरी नई वाली है ना, तो तू अपनी वाली गाड़ी में बैठ जाइयो। तो तभी फिर ना तो गोलू कहता है कि ठीक है, राधे बोलते हैं मैं गाड़ी में बैठ जाऊँगा और ना तू केशव चला लियो। तो केशव बोलता है हाँ मैं ना आगे से गाड़ी चला लूँगा और तू पीछे बैठ जाइयो, हम दोनों आराम से पहुँच जाएंगे, है ना। तो तभी पीछे से सेविका कहती है हे केशव क्या ये सब लगाया हुआ है, बड़ा चला जाएगा, तेरी गाड़ी में कोई स्टेयरिंग है क्या, हैंडल भी नहीं है उसमें, कैसे जाएंगे। अरे ये तो मैं भूल ही गया था। कोई बात नहीं, तो राधे कहता है मैं ना बैठ जाऊँगा, केशव तू पीछे से धक्का मार दियो तो हम पहुँच जाएंगे। तो ये दोनों का अलग प्लान चल रहा है। दूसरी तरफ जो है लाडो गुस्से में ही बैठी हुई है, तो लाडो बोल रही है मैं तो नहीं जा रही हूँ, मुझे जाना नहीं है अब। वहीं दूसरी तरफ सेविका जाती है और देखती है कन्हैया तो लगातार मलमल के नहाने में ही लगा हुआ है और वो तैयार हो रहा है। तो उधर ही जाके सेविका कहती है तू यहाँ अकेले तैयार होने पे लगा हुआ है और उधर जो है तेरी दुल्हन जो है वो मुंह फुला के बैठी है और उधर देख सारे बच्चे जाने के लिए बैठे, क्या हो रहा है, क्या हो गया उधर, अरे ऐसा कैसे, मतलब कन्हैया कुछ पता ही नहीं है, वो नहा नहा के मतलब लोटे डाले जा रहा है और वो बोल रहे हाँ ऐसा हुआ क्या, क्या हो गया, अभी आता हूँ मैं देखता हूँ मैं कौन गुस्सा हो गया। उधर से बोल रही है तू यहाँ बस नहाता रहे, बोला दो मिनट दे मैं 2 मिनट में आता हूँ। और कन्हैया फटाक से कोट पहनता है, पैंट पहनता है, कोट के ऊपर मतलब शर्ट पहनता है, शर्ट के ऊपर कोट पहनता है, पैंट पहनता है और उसके ऊपर वो कटारी डालता है, जो याद होगा मैं बार बार कटारी शब्द यूज़ कर रही थी, और वो कटारी डालता है, माथे पे जो है टीका लगाता है, उस पे चावल लगाता है, ठीक है। और फिर सेविका से कहता है अरे मेरे जूते तो ला दे, मैं जूते भी तो पहनूंगा ना, नौते पे जा रहा हूँ भाई। तो वो कह रही है हाँ तू अकेले चले जा नौते पे, और वहाँ देख तेरी दुल्हन गुस्सा होके बैठी हुई है, हुआ क्या, क्या हो गया, जाता हूँ मैं अभी, रुक तैयार होने दे पहले मुझे। और वो तैयार होता है, इतना सुंदर लगाता है, मतलब कि क्या करता है, कोट पैंट पहनता है, उस पर कटारी डली हुई है, ब्लैक पैंट पहनता है, छोटा सा बच्चा है वो, पेट उसका थोड़ा सा हल्का सा निकला हुआ है, सांवला बच्चा, उस पर वो काले कलर के जूते भी पहन लेता है, साथ में उसके जो घुंघराले बाल हैं आधे बाल नीचे छोड़ता है और आधे बालों को लेके जुड्डा बनाता है, मतलब उसके जुड्डा बना हुआ है, मतलब आप सोच के देखिए कि इमेजिन करिए कि वो कितना सुंदर लग रहा होगा, वो इतना सुंदर लगते हुए और बोलता है चल अब मैं चलता हूँ, चल देखता हूँ कहाँ पर है। तो जाके देखता है तो उधर हमारी लाडो जो है वीडियो कॉल चल रहा है और वीडियो कॉल पे सिम्मी से बोल रही है, मतलब सिम्मी जो है बात कर रही है हमसे और वो कह रही है कि दीदी आई नहीं तुम आ जाओ। तो सिम्मी को लग रहा है कि हम बात कर रहे हैं लेकिन वो बात एक्चुअली लाडो से कर रही होती है। हाँ और वैसे भी ये कन्हैया मेरी वजह से थोड़ी जा रहा है, ये तो वो सिम्मी की वजह से जा रहा है, मैं जानती हूँ ना सिम्मी की वजह से ही जा रहा है ये। तो सेविका कहती है लाडो ऐसे मत बोल, सिम्मी अच्छी है, सिम्मी की वजह से नहीं जा रहा है। तो तभी नहीं तुझे तुझे कुछ नहीं पता है मैया, मैं बोल रही हूँ ना वो सिम्मी की वजह से ही जा रहा है वहाँ पे, देखो उसको जाने की पड़ी है, तैयार भी होके आ गया। तो उधर वो सिम्मी बोल रही है अरे जी जी आ जाओ गुस्सा मत हो। तब लाडो बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ। तभी कन्हैया पीछे से कहते हैं अच्छी है सिम्मी, चल रहे ना हम चल। तो तभी तो हाँ वो तो मुझे पता है तू तभी जा रहा है क्योंकि सिम्मी अच्छी है ना, तो लेकिन मैं एक ही शर्त पे जाऊँगी, वो सेविका से कहती है लाडो मैं एक ही शर्त पे जाऊँगी कि सिम्मी से कह देना कि कन्हैया को हाथ ना लगाए बिल्कुल भी, उसको ले नहीं बिल्कुल भी। तो बोले ठीक है मैं बोल दूँगी सिम्मी से। तो वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है और यहाँ पे जाके वो बोलती है 2 मिनट मुझे दो मैं अभी तैयार होती हूँ। और इधर जाके हमारी लाडो फटाक से 2 मिनट में ही पीला लहंगा गजरा वजरा तैयार होके रेडी हो जाती है और हम सब जो है
निकल जाते हैं। और इसी तरह से ये लीला थी उस दिन की, जो जिसमें से मैंने थोड़ा सा पार्ट सिम्मी को बोल दिया था कि सिम्मी भाई तू आज कन्हैया को हाथ मत लगाई हो, पर पता नहीं क्या बात थी, हम तो जान ही नहीं रहे थे। अब सुनिए पूरी बात। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ जाके हमें पता चला कि किसी भी पूजा में सिम्मी भाग नहीं ले सकती है, क्योंकि लेडीज़ प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। अब वो कन्हैया को तो हाथ लगा ही नहीं सकती थी। दूसरी, अब मैंने जाके सिम्मी से ये भी पूछा कि भाई सिम्मी ये बताओ कि तुम किस रूप में कन्हैया को प्रेम करती हो। बोले गोपी रूप में। गोपी रूप मतलब सखा रूप में। तो मैंने कहा वेरी गुड, इसीलिए लाडो ने बोला कि तू उसको हाथ मत लगाई हो, क्योंकि उससे एक दिन पहले नौते के लिए वो लोग इन्वाइट करने आए थे तो कन्हैया को उसने गोद में नहीं लिया था, सिर्फ केशव को लिया था और राधे को लिया था। तो यही बात जो है शायद लाडो को अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने स्पेशली कहा कि सिम्मी कन्हैया को हाथ ना लगाए। और अब वो प्रॉब्लम होने के कारण सिम्मी वैसे ही उसको हाथ नहीं लगाती, तो एक तो ये प्रॉब्लम आ गई बात। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरी बात पे कि ये तो यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो जाता है। दूसरी यहाँ पे बात आती है, लाडो ने बोला कि गुस्सा हो रही है कि भाई हम लोग जो है मतलब मैं वहाँ नहीं जाती जहाँ मेरे पति की इज्जत नहीं होती। ठीक है, अब ये लाडो ने क्यों बोला, चलिए उसका भी हमें पता चल गया। मैंने कहा ये लीला क्या थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब जब हम गए तो दीदी ने लाडो के लिए ये गिफ्ट किया है, ये लहंगा। ठीक है, आपको दिखाया भी था मैंने लहंगा। चलिए अब दोबारा आपको एक बार हम इसको लहंगे को रिवाइज करते हैं। तो ये दीदी ने बहुत प्यारा सा लहंगा जो है लाडो के लिए बनाया है, और इसमें दो चुन्नी बनाई है, एक फ्रंट पे डालने के लिए और एक उनके सर पे डालने के लिए। ठीक है, काफ़ी लंबी चौड़ी चुड़ी मतलब चुनरी बनाई है एक, और ये है दूसरी चुनरी, ये फ्रंट के लिए। ठीक है, ये फ्रंट से बनेगा और ये सर पे डालने के लिए, ये हो गई। अब ये गड़बड़ क्या हुई है वो सुन लीजिए। दीदी काफ़ी अच्छे कपड़े सिलती हैं नो डाउट। ठीक है, और उनसे हो क्या गया है, उन्होंने जो ये लहंगे की जो चोली सिली है ये लाडो के साइज की ना सिल के उन्होंने ये कन्हैया के साइज की सिल दी है। ये कन्हैया को भी हल्की ढीली है, मीन्स ये कन्हैया के साइज की चोली बना दी है उन्होंने। ठीक है, और जो लहंगा है वो भी उसका जो लेंथ है वो भी कन्हैया के लेंथ का बराबर है, लेकिन हमारी लाडो कन्हैया के लेंथ के बराबर की मतलब लंबाई पहनती है। तो चलो लहंगा तो ठीक है, अब ये चोली तो लाडो को नहीं आती है, ये कन्हैया को आ गई। ठीक है, तो हमारी लाडो ने ये जो स्वप्न में बोला उसका मतलब ये था कि वो ये चाहती थी कि जो भी वस्त्र उसको मिल रहे हैं वो कन्हैया को भी मिलने चाहिए थे। वो उसकी सोच मतलब सोच नहीं है, लीला है। देखिए तो उसने क्या किया कि दीदी की मेहनत भी वेस्ट न जाए और सारी चीज़ हो जाए। तो जैसे ही ये दिखा तो मैंने कहा अरे दीदी ये तो कन्हैया के नाप का है, सोना भी फटाक से बोली कि क्योंकि सिलती है वो तो उसको पता है। तो उसने बोला कि ये कन्हैया के नाप की है ये चोली। तो दीदी शॉक्ड हो गई, बोली मुझे लग भी रहा था कि ये बड़ी बन गई, मैंने कि बड़ी नहीं बहुत बड़ी बन गई है। तो लाडो का अब ये देखते हुए मुझे समझ में आया, तभी मैंने बोल दिया दीदी आप परेशान मत हो कि लाडो ने आपका भी एक्सेप्ट किया और कन्हैया को भी उसने इसी ड्रेस को दे दिया। देखो दोनों को अर्पित हो गई। वो कैसे कि इसकी दो चुन्नियाँ हैं और दोनों दीदी ने काफ़ी लंबी बनाई हैं, ये देखिए काफ़ी लंबी चुन्नी है। तो इसमें से क्या होगा, ये जो इतना पार्ट है इस पार्ट की हमारी लाडो की चोली बन जाएगी, इसमें अस्तर लगा के लाडो की चोली बन गई। तो देखो उसका आगे का फ्रंट भी बन गया, नीचे ओढ़ने की ये चुन्नी भी हो गई बड़ी वाली, और कन्हैया की ये वो हो गई, यानी कि इस लहंगे को हमारी लाडो भी पहन सकती है और हमारा कन्हैया भी। तो दीदी की एक ही पोशाक में लाला और लाली दोनों के लिए ये गिफ्ट दीदी की तरफ से हो गया, क्योंकि दीदी को एकदम से लगा कि मुझे लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं। मैंने कहा नहीं, और मैंने कहा दी ये आपकी बहुत, मैं तो ये कहूँगी कि आप ही के लिए उन्होंने अच्छा किया कि उन्होंने एक काज दो काम कर दिए, कि आप ये जानते हो कि आप मतलब आपसे उन्होंने जानते हुए भी इतनी बड़ी चोली सिलवाई है, तो इसके पीछे वही लीला जान सकते हैं, क्योंकि लीलाधारी तो वही है ना, हम लोग मनुष्य क्या जाने। तो ये चीज़ हुई है। तो ये थी उस दिन लीला कि मैंने आपसे कहा था ये चोली की भी एक लीला हो गई है, तो वो मैं आपको बताऊँगी। और कन्हैया को भी इससे भी नहीं छू पाई, और ये वाली लीला भी कम्प्लीट हो गई। और रही इन बच्चों की बात,
सही है कि ये सारे बच्चे गाड़ी में ही गए थे ना, तो वो लीला भी कंप्लीट हो गई, सब गए थे नहा धो के बहुत सज धज के सवर के। तो ये इस तरह की इनकी ये साक्षात लीलाएं होती हैं जो पूर्ण होती हैं जो भी ये करते हैं या कहते हैं। तो खूब सारा प्रेम, राधे राधे। आपको ये लीला कैसी लिखी मुझे ज़रूर बताइएगा।